भाई बाइक ना बहुत मस्त है यार। हाँ यार एडी भाई बाइक बड़ी मस्त है भाई, एक बार चला के देखूं मैं। भाई यार चलाने को तो दे नहीं सकता यार, बड़ी महंगी बाइक है यार भाई, कहीं तूने गिरा विरा दिया यार। आज आशु चल रहे हैं भाई, यार मुझे भी लेके चलो। अरे तू आता रही हो अखिया देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ इस बार जो सेविंग हुई है ना, उससे मेरा ये वाला स्कूटर लेने का मन कर रहा है, तुम क्या बोलती हो? नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तो ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा अपने लिए स्कूटर देखा जा रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नई बाइक चाहिए होगी KTM। और जो पिछले महीने तुझे मैंने बाइक दिलाई थी, अब तुझे नई बाइक और चाहिए? वो कबाड़ा सेकंड हैंड, वो सेकंड हैंड नहीं, टेन हैंड बाइक है, उसको चलाने से ना बेइज्जती होती है मेरी, और वो सही से चलती भी नहीं है। मुझे नई बाइक चाहिए, वो भी KTM। देख सुन, एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से हमारे खर्चे, और पिछले 2-3 महीने पहले मैंने तुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? जो तूने कहा था कि पापा यूं से यूं कर दूंगा, हुआ कुछ उसका? डुबवा दिया ना तूने उसे पैसों को, और अब तुझे नई बाइक और चाहिए। देख बेटा, तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तेरे नवाबी शौक पूरे कर सके। देख बेटा, तुझे पहले से पता है घर में इतनी दिक्कतें हैं, ऊपर से अब तुझे एक नई बाइक चाहिए। अच्छा सुन, पहले खाना खा ले, फिर आराम से बैठ के ये बातें करेंगे। मुझे नहीं खाना खाना, ये पकड़ो अपना फोन, पहले मुझे बाइक चाहिए, उसके बाद खाना खाऊंगा मैं। अरे सुन तो सही बेटा। अच्छा सुनो, दिला दो ना उसे भाई, हम अपना स्कूटर बाद में देख लेंगे, एक ही तो बेटा है हमारा। आज बाइक मांग रहा है, कल कुछ और मांगेगा। मैं तुम्हारे बेटे के नवाबी शौक पूरे नहीं कर सकता। अच्छा खैर छोड़ो, मेरा बैग लाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सेकंड हैंड या टेन हैंड बाइक है, उसको चलाने से बेइज्जती होती है, मुझे नई बाइक चाहिए, वो भी KTM। दिला दो ना उसे भाई, हम अपना स्कूटर बाद में देख लेंगे, एक ही तो बेटा है हमारा। अरे विशाल तुम गए नहीं अभी तक, तुम यहीं बैठे हो, टाइम तो कब का खत्म हो चुका है। वो सर मुझे ना ओवरटाइम करना था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ मैं निकल गया ऑफिस से, बस आ रहा हूँ। अच्छा सुनो। हाँ जी। वो तुम्हारा लाडला कहाँ पे है? पता नहीं, बहुत देर से अपने रूम में है, किसी से फोन पे बातें कर रहा है। ब्रेकफास्ट किया उसने? हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा सुनो। हाँ हाँ चल आ रहा हूँ आ रहा हूँ। खैर छोड़ो, जाने दो उसे, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे वो भी यार कोई बिजनेस बता जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और अर्निंग सही हो। अरे सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये देखिए मेरे पास ग्रो ऐप है, इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट डाल के हाई रिटर्न मिल जाते हैं, और तो और आप इसमें UPI से पेमेंट भी कर सकते हैं, ना तो कोई किसी को कमीशन देना ना एक्स्ट्रा चार्ज देना, आप जितना पैसा लगाओ दोगुना तिगुना कमाओ, और कभी भी आप विड्रॉ करो। अरे वो भी यार ये तो बड़ी अच्छी ऐप है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सर जरूर करिए। हेलो सर। बोलो विशाल। सर क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ घर? क्या हुआ? सर वो मेरी सैलरी आ गई थी और बेटा भी बहुत दिनों से बाइक के लिए कह रहा था, तो सोचा कि आज उसे एक बाइक दिला दूं। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
कॉलोनी। अरे आप आओ तो ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए। खैर छोड़ो, तुम्हारा लाडला तो मुझसे बात करेगा नहीं, जो उसको बाइक की चाबी दे देना और कह देना नीचे खड़ी है, वो भी टेन हैंड नहीं, नई बाइक है। पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। चल अब खड़ा ही रहेगा कि बाइक भी चलाएगा? गुड आफ्टरनून सर, ये आपके स्कूटर की चाबी, आइए मैं आपको स्कूटर दिखाता हूँ। कैसा लगा स्कूटर? स्कूटर तो बहुत अच्छा है, मगर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा आपने जो वो 1.5 लाख रुपए दिए थे ना, अपने रूम में किसी से फोन पे बातें कर रहा है। हेलो सर, सर आपने जो हमारी कंपनी में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे सर, वो डबल हो चुके हैं सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर, जिसकी वजह से सर हम आपको रिस्पांस नहीं कर पा रहे थे, पर सर आप अभी आके पैसे ले जा सकते हैं, बस कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने आपको और आप अपनी पेमेंट ले सकते हो। इन पैसों से ना मैं पापा के लिए स्कूटर गिफ्ट करूंगा सरप्राइज, जो वो चाहते थे। पापा बहुत खुश होंगे। सर आप आ रहे हो ना? चल आ रहा हूं मैं। पापा जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा बाप ही बेटों के शौक पूरे करे, कुछ शौक तो बेटे भी बाप के पूरे कर सकते हैं। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा। पापा आप खड़े रहोगे चलाओगे भी? गाइज यार वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो बेल आइकन है ना दबा दो। भाई का चैनल है एक्टर विशाल आर्या, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो देखो, बहुत मस्त वीडियो। ठीक था भाई? प्यू, प्यू, प्यू। और हाँ गाइज, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ग्रो ऐप में जाकर इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। सो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके डाउनलोड कीजिए।